Besides traditional symbols, there are some new symbols. In some cases, a poet makes new symbols. For example, the sheets, the ancient city of Byzantium, where Byzantium was used as a symbol of the perfect blending of the arts and the living and the visual arts, or what we can say like art and nature. So these are the new types of symbols. The following three questions can be asked by readers to recognize all these symbols. Like, the best you can do is ask the questions following. Like, is there a word that has a prominent place in the poem, or is the word used in an elevated way? Does the word transform other elements in the poem? अब इन थ्री क्वेश्चंस के थ्रू जो है आप जो है किसी भी सिंबल्स को जो उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं. लाइक कि अगर कोई भी वर्ड है कोई भी ऐसा वर्ड जो कि किसी पोइम में बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो वर्ड है कुछ एलिवेटेड वे में यूज़ किया गया है, या आप इसको कह सकते हैं. और ये जो वर्ड है वो कोई भी जो जो इस पोइम में जो अदर एलिमेंट्स हैं उनको जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा हो. तो ये जो तीन क्वेश्चन है इसके थ्रू आप इसको एनालाइज कर सकते हैं कि कोई भी जो गिवन आपका सिंबल है वो सिंबल है या नहीं है. सो सिंबल्स आर ऑफन रिच एंड कॉम्प्लेक्स. यू कुड बी केयरफुल टू सजेस्ट दैट व्हेन यू डिस्कस देयर फंक्शन. द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सिंबल, लाइक स्टैंड फॉर एंड पॉइंट्स एंड रिप्रेजेंट्स एंड सजेस्ट एंड इवोक्स और एक्सप्रेसेस. The other one is image and imagery. So the term covers simile, metaphor and conceit, personification and symbol. What was said about those terms may apply to the more general word imagery. अब जो भी आप समझते हैं कि simile या metaphor या conceit या personification या symbol के बारे में जो कुछ भी था वो सब कुछ जो है general word imagery के ऊपर जो है वो apply होता है. तो what however you must avoid is mere labeling. एक आपको labeling जो है उसको आपने avoid करना है. अब इसमें ये सब चीज़ें उस तरह से हो सकती हैं, बट स्टिल इमेजिन समथिंग डिफरेंट. यू मस्ट ऑलवेज ट्राई टू राइट अबाउट इस प्लेस इन द पोइम, बट व्हाट्स दैट प्लेस. अब आपको ये पता होना चाहिए कि उस प्लेस को हमने कैसे रिकग्नाइज करना है. लाइक जो इमेजरी है इसके अंदर वो किस तरह से हम उसको किसी पोइम में अगर वो यूज़ हो रही है तो हम उसको किस तरह से उसको रिकग्नाइज करेंगे. सो वेन एवर यू आर इन्वाइटेड टू राइट अबाउट इमेजरी देर आर थ्री क्वेश्चन दैट यू माइट आस्क. लाइक डज इट हेल्प टू क्रिएट द एटमोसफेयर ऑफ द पोइम, डज इट इस्टेब्लिश अ पैटर्न इन द पोइम, और डज इट हेल्प टू फोकस द मीनिंग ऑफ द पोइम. आपने इन तीन क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं और आपको लगता है कि ये आप उस तरह से उसके सूटेबल हैं, सो इट इज़ इमेजरी. अदरवाइज इट कुड बी मेटाफर और कंसीट और सिंबल और पर्सोनिफिकेशन. सो इमेजेस ऑलवेज अपील टू द सेंसेस. अब ये जो आपके इमेजेस होते हैं ये बेसिकली आपके सेंसेस को जो आपके हमारी जो फाइव सेंसेस हैं इनसे जो है रिलेट कर रहे होते हैं और उनको अपील करने के लिए होते हैं. दे कैन बी विविड एंड इमेजिएट. इन एन इमेज द रीडर सीज और हियर समथिंग. अब कुछ भी ऐसा जो कि जो रीडर है उसको सुन रहा है या महसूस कर रहा है. लाइक फाइव सेंसेस हमारे जैसे टैक्टाइल सेंस है. अब इसको लेकर जब चीज़ें जो भी आप इस तरह से महसूस कर रहे होते हैं, आप सुन रहे होते हैं, इट कुड बी एनी नॉइस, एनी काइंड ऑफ नॉइस, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो बेसिकली आपके इमेजेस में आती हैं. सो इट इज़ नॉट मेरली अ मैटर ऑफ बीइंग इनफॉर्म, द थिंग इज़ प्रेजेंट एंड इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन अस. कि कुछ भी ऐसा है जिसके बारे में बताया जा रहा है वो कुछ ऐसी चीज़ प्रेजेंट कर रहा होगा कि जिसका हम पर असर भी हो रहा है. लाइक समथिंग दैट इज़ हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन अस. सो बेसिकली अब इमेज जो है आपके जो हमारी सेंसेस है उसको इस तरह से लाइक वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है कि हम पे वो चीज़ें जो है वो असर रख रही होती हैं और हमें हम उन चीज़ों से जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं. सो ही इज़ द सेकंड कमिंग इज़ अबाउट द ब्रेकअप ऑफ ऑर्डर एंड आइडिया दैट इज़ मेड फोर्सफुली प्रेजेंट थ्रू द इमेज ऑफ द फैल्कन एंड द फैल्कनर. अब ये जो द सेकंड कमिंग है यीस्ट की पॉइंट, इसमें बेसिकली जो हमारे पास आइडिया है वो हमारे पास है इसमें कि हम किस तरह से इसमें हमारा जो गायर है, गायर मीन्स अ स्पायरलिंग मूवमेंट. अब एक मूवमेंट इस तरह से होती है लाइक कि वो गायर की शेप में है. उसमें फाल्कन जो है वो एक फ्लाइंग क्रिएचर दिखाई गई है जो कि अपने जो उसका सेंटर पॉइंट है दैट इज़ गायर, उससे वो दूर जा रही है. तो बेसिकली इसका जो आइडिया है वो आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके थ्रू सेकेंड कमिंग में. कि जो जो हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो ब्रेकअप हो रहे हैं, कम्युनिकेशन में गैप आ रहा है, जो
हमारा जो रिलीजन है उसको जो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको जो रिफ्लेक्ट किया गया इस तरह से किया गया है, लाइक उसमें जो हमारे कम्युनिकेशन में गैप है, जो हमारे रिलेशनशिप में गैप है, ये सब चीज़ें इस तरह से की गई, जैसे कि फाल्कन है और उसका जो फाल्कनर है उसके बीच में जो डिस्टेंसिंग हो रही है, बेसिकली वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब वो एक तो उसको एक इमेजरी अगर हम उसको देखते हैं तो वो एक वैसे भी एक जैसे फ्लाइंग क्रिएचर है, तो उसको उस तरह से रिप्रेजेंट करें, अदरवाइज उसका जो जो एक्चुअल उसका जो हिडन मीनिंग आप लाइक उसको कह सकते हैं, जो जो उसमें वो बताया जा रहा है, वो एक्चुअली वो उन गैप्स को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हमारे रिलेशनशिप्स में है, हमारे जो एक एक्चुअली जो हमारे रिलेशन को लेकर जो चीज़ें जो है उस तरह से इतना वो उससे लिंकअप नहीं होते हैं लोग, तो उन चीज़ों को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो इन द कंक्रीट इमेज वी यूज द बर्ड स्पाइरलिंग आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ कंट्रोल एंड बियॉन्ड हियरिंग। इन द स्मूथ एंड रिलेंटलेस मूवमेंट वी सी द फाइटिंग क्लैप्स ऑफ ऑर्डर एज थिंग मूव अवे फ्रॉम देयर कंट्रोलिंग सेंटर। हमें देखते हैं कि अगर हम एक एक महवर से हटकर चीज़ें हो जाती हैं तो जो है अपनी जगह से मतलब वो उस तरह से अपने सेंटर से जो डिटैच हो जाती हैं। लाइक अगर हम ये देखेंगे, अगर एक जैसे आपको पता है कि कशे सर्कल होती है, जैसे उसमें अगर उतना एक डिस्टेंस रहेगा तो वो चीज़ें वापसी उस तरह से गिरेंगी ज़मीन की तरफ। अगर वो हमारे पास ग्रेविटी वो जो है उस रेंज में नहीं होगी तो चीज़ें उस तरह से फॉल नहीं करेंगी। इस चीज़ को जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया हमें फाल्कन और फाल्कनर के जो थ्रू जो है उसमें दिखाया गया, उसकी सेकंड कमिंग में उसके थ्रू जो उन्होंने वो उसको रिप्रेजेंट किया था। सो वी सी द फ्राइटनिंग क्लैप्स ऑफ ऑर्डर एज थिंग मूव अवे फ्रॉम देयर कंट्रोलिंग सेंटर। देर आर आइडियाज इन इमेजेस बट देर आइडिया दैट वी सी एट वर्क। अब बेसिकली वो आइडिया जो है हमारी वो उसमें इमेज में भी शो हो रहा है, लेकिन बेस जो उसका हिडन जो आइडिया है वो बेसिकली उसकी जो है बैकग्राउंड में वो काम कर रहा है और वो उसकी उसको रियलिटी को शो कर रहा है। देन वी हैव एक्चुअली वन वी हैव टू राइट अबाउट इमेजरी, रिमेंबर दैट एज इन द टेनिसन पोएम वन फंक्शन डज नॉट एक्सक्लूड अनदर। अगर एक चीज़ आप कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीज़ को आपने उसको एक्सक्लूड कर देना है। अगर हम इमेज जस्ट हम उसको इमेज को देख रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं कि फाल्कन की बात हो रही है, अगर वो अपने सेंटर से जो वो हट गया हुआ, बेसिकली उसके पीछे तो आइडिया ही की बात हो रही है ना, आपको रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, हमारे रिलीजन से दूरी हो रही है, तो ये सब चीज़ें बेसिकली जो है वो उसके पीछे काम कर रही हैं। As in all matters of understanding literature, you should look carefully at the poem to see exactly how it works. You can't expect every poem to work in the same way. Like हर poem को आपने ये नहीं expect कर सकते कि वो same way में जो है वो उसी तरह से वो चल रही होगी। हर poem या कोई भी जो poetry है उसका कोई भी जिस तरह का text होगा literary, हर एक जो idea है basically वो उससे different होगा। Then we see what is paradox. A paradox is an apparent contradiction which says something strange yet true. अब contradiction में basically क्या होता है कि एक चीज़ जो apparently जो है वो उसमें जो है वो उसमें contradiction उसमें इख्तलाफ आ रहा है और लेकिन वो एक्चुअली वो ट्रू है। फॉर इंस्टेंस इन कीट्स ओड ऑन नेगेशन अर्न देर आर दीज पैराडॉक्सिकल लाइन्स ऑन म्यूजिक। हर्ड मेलेडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। अब इस अगर हम लाइन को देखते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि जो सुनी हुई लाइक जो मेलेडीज़ हैं जो उस तरह से म्यूज़िक में उसका रिदम है वो बहुत ही मीठा है, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। लेकिन अब इसमें हम ये देखें कि कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है कि जो हमने सुने ही नहीं वो किस तरह से स्वीटर हो सकते हैं। अ मेलेडी यू कैंट हियर कैन नेवर बी स्वीटर दैन वन यू कैन। नेवर्थलेस द लाइन्स पॉइंट टू द स्ट्रेंज ट्रूथ दैट दैट विच वी इमेजिन इज ऑफन मोर ब्यूटिफुल दैन विच एक्चुअली एग्जिस्ट्स। तो एक्चुअली क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन जो शो कर रहा है इस रियलिटी को कि एक्चुअली जो चीज़ें हमारे पास होती हैं और जो चीज़ें हम जो एग्जिस्ट कर रही होती हैं वो उतनी वो खूबसूरत नहीं होती जितना कि हमारे इमेजिनेशन में जो चीज़ें हम उनको जो है उसको इमेजिन कर रहे होते हैं। सो वेन यू राइट अबाउट पैराडॉक्सिस यू शुड ब्रिंक आउट द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वट स्टार्स ऑफ एज एन अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन ऑफन यील्ड्स ट्रूथ्स दैट आर मोर इंटरेस्टिंग देन एवरीडे वन। अब इसमें यह है कि कुछ भी ऐसा जो है आपको अपेरेंटली जो है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रही है, लेकिन आप उसमें जो आपके लिए जो लाइक एक एग्जिस्टिंग रियलिटी में जो चीज़ आपके लिए इंटरेस्टिंग है आपके इमेजिनेशन में उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो चीज़ है। लाइक हर्ड मेलेडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। देन
we come to ambiguity. Ambiguity is a very useful term to master when you want to write about the richness of meaning in poetry. अगर इस तरह की एम्बिग्विटी जो है बेसिकली वो पोइट के जो उसका इसेंस है उसको इन्हेंस कर रही होती है. लाइक अब एक ही लाइन से अब जिस तरह से आप सोच रहे होते हो डिफरेंट उन परस्पेक्टिव में जाकर उनके मीनिंग जो है वो वेरी कर रहे होते हैं. लाइक एक लाइक हर शख्स की लाइक आपको पता है कि थिंकिंग जो है डिफरेंट होती है. अब एक चीज़ को आप किस तरह से सोच रहे हो उसी चीज़